हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन विद अनुपम आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे शब्दों के बारे में जिसे सुनकर आपका दिमाग अक्सर चकरा जाता है और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है क्योंकि अक्सर वो दिखने में एक जैसे लगते हैं और उनका मीनिंग कुछ कुछ सेम होता भी है लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है तो ऐसे कुछ वर्ड्स को वीडियो के इस पार्ट में स्टडी करेंगे क्योंकि अगर सारे वर्ड्स को कवर किया तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके हर वीडियो में इसको कवर किया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो एडमिट एंड कन्फेस एडमिट का मतलब होता है सत्य के रूप में स्वीकार करना और कन्फेस का मतलब होता है गलती स्वीकार करना इनका एग्जाम्पल देखते हैं आई एडमिट दैट यू आर एबलर देन आई एम सेकेंड ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट बिफोर द जज एमंग एंड बिटवीन एमंग का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों या लोगों के बीच और बिटवीन का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग फोर चिल्ड्रन एंड द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू चिल्ड्रेन नेक्स्ट अमाउंट एंड नंबर अमाउंट होता है ऐसी मात्रा या क्वांटिटी जिसे एक एक करके गिना नहीं जा सकता और नंबर उसको कहते हैं जिसे एक एक करके गिना जा सकता है देखते हैं इनके एग्जाम्पल अ लार्ज अमाउंट ऑफ राइस वॉज डिलीवर्ड टू द स्टोर हाउस अ लार्ज नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस वॉज डिलीवर्ड एंशस एंड ईगर एंशियस मीन्स चिंतित ईगर मीन्स उत्सुक देखते हैं एग्जाम्पल वी आर एंशियस अबाउट हिज हेल्थ एंड वी आर ईगर टू सी हिम हेल्थी अगेन आर्टिजन एंड आर्टिस्ट आर्टिजन मतलब जो किसी दस्तकारी का काम करता हो मतलब दस्तकार। और आर्टिस्ट का मतलब होता है जो किसी कला में दक्ष हो यानी कि कलाकार एग्जाम्पल दैट कारपेंटर इज अ गुड आर्टिजन कालिदास वाज़ अ गुड आर्टिस्ट बेटर एंड वेल बेटर मींस पहले से कुछ स्वस्थ मतलब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है पर पहले से कुछ सुधार है वेल वेल मींस होता है पूरी तरह स्वस्थ एग्जाम्पल शी इज बेटर टुडे देन शी वाज़ अ वीक ए इन अ मंथ और टू शी विल बी क्वाइट वेल मोस्ट इंपॉर्टेंट बोथ एंड ईच बोथ मीन्स होता है दोनों दोनों मतलब ऐसी चीज़ें या ऐसे पर्सन जो कनेक्टेड होते हैं और ईच का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों में से एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं बोथ द सिस्टर्स आर ब्यूटिफुल एंड ईच गर्ल हैज़ अ न्यू बुक ब्रिंग एंड टेक ब्रिंग मीन्स लाना और टेक मीन्स होता है ले जाना एग्जाम्पल ब्रिंग अ ब्रेड फ्रॉम द मार्केट सेकेंड टेक यू ब्रेकफास्ट विद यू वेन यू गो टू द स्कूल कैन और मे कैन का मतलब होता है शारीरिक रूप से समर्थ और मे का मतलब होता है आज्ञा या अनुमति के अर्थ में एग्जाम्पल्स शे इज सो वीक दी कैन नॉट वॉक मे आई कमिंग क्लाइमेट एंड वेदर क्लाइमेट का मतलब होता है एक औसत मौसम जो कि सालों से एक जैसी कंडीशन में बना हुआ है या फिर बना रहता है जबकि वेदर का मतलब होता है वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति एग्ज़ाम्पल आई लाइक द क्लाइमेट ऑफ शिमला मोर देन दैट ऑफ देहरादून द वेदर वॉज स्टोर मी ईच अदर एंड वन एन अदर ईच अदर का मतलब होता है आपस में जिसमें सिर्फ दो पर्सन होते हैं और वन अनदर का मतलब होता है आपस में जिसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं एग्ज़ाम्पल कविता एंड सीमा हैव नोन ईच अदर फॉर टेन ईयर्स सेकेंड एग्ज़ाम्पल दीज फोर गर्ल्स हैव नोन वन एन अदर फॉर टेन ईयर्स फॉर्मर लेटर फॉर्मर मीन्स दो में से पहला और लेटर मीन्स होता है दो में से दूसरा एग्ज़ाम्पल

इन एंड इन टू का मतलब होता है मे या के अंदर इसमें मोमेंट नहीं होती जबकि into का मतलब भी वही होता है मे या के अंदर लेकिन इसमें मोमेंट होती है एग्ज़ाम्पल पेपर्स आर इन माई ड्रॉर बी यू पुट द पेपर्स इन टू माई ड्रॉर आगे देखते हैं लर्न एंड टीच लर्न का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना और टीच का मतलब होता है ज्ञान देना एग्जाम्पल दे लर्न टू रीड इंग्लिश सेकेंड दे टीच इंग्लिश नेक्स्ट दिस इज इम्पॉर्टेंट लीव एंड लेट लीव का मतलब होता है छोड़ना ये मेन वर्ब है और लेट का मतलब होता है अनुमति देना ये हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब लगती है एग्जाम्पल लीव दिस रूम एट वंस और लेट मी गो नाउ आगे देखिए मैनी एंड मच मैनी मीन्स संख्यावाची जैसे बहुत से लोग और मच इसका मतलब होता है परिमाणवाची जैसे बहुत सा दूध जिसे काउंट नहीं किया जा सकता एग्जाम्पल देखिए इसके देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास और सेकेंड वी haven't मच मिल्क आगे देखते हैं मे एंड माइट मे और माइट दोनों का मतलब होता है सकना यानी कि पॉसिबिलिटी लेकिन मे का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टेंस में और माइट का यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस में Example देखिए इसके ही मे कम today. और ही माइट हैव कम इफ़ यू हैड written अ लेटर तो इस वीडियो में यहाँ पर फिनिश करते हैं आप इन सारे वर्ड्स को अच्छे से स्टडी करिए याद करिए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए ताकि आपका कन्वर्सेशन और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय